ये खबर आपको निश्चित तौर पर परेशान करेगी। अमेरिका में स्कूल खुलते ही फिर बेकाबू हुआ कोरोना। स्कूल खुलते ही अमेरिका में बच्चों को तेजी से बना रहा है अपना शिकार। 11 से 18 नवंबर के बीच 1,82,000 बच्चों में संक्रमण, 1,42,000 बच्चों में। दो हफ्ते पहले मुकाबले कोरोना के नए केस 32% बढ़े। स्कूल खुलते ही कोरोना फैल रहा है अमेरिका में। ध्यान से देखें, सीधे प्ले ऑन करें जो हमारे पास इसकी डिटेलिंग है। ये देखें, स्कूल कॉलेज खुलते ही कोरोना बेकाबू अमेरिका। एक हफ्ते में 1,42,000 बच्चे संक्रमित। भारत ओडिशा में 53 बच्चियां, 22 एमबीबीएस छात्रों में संक्रमण। जूम इन करें राहुल, वेल डन। ये यहां पर दो हफ्तों में 32% की बढ़ोतरी हुई है। जयपुर के जयश्री पेड़ीवाल स्कूल में 12 बच्चे संक्रमित। भारत और अमेरिका देखें आप यहां पर। मैं चाहूंगा नीचे प्लीज एक बार निकट टीचर टिकर पे भी ब्रेकिंग चला दे। 68 लाख से ज्यादा बच्चे शिकार अमेरिका में। तेलंगाना के एक सरकारी स्कूल में 28 बच्चे संक्रमित। ये हमारे सामने हैरान करने वाले फैक्ट्स हैं। किस तरीके से कोरोना तेजी से फैल रहा है, मैं प्रोफेसर राजन से एक यहां पर टेक लेना चाहूंगा। प्रोफेसर राजन, आप थोड़ा सा मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपसे एक चीज, ऑफ द कफ आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। वैक्सीन वहां पर लोग नहीं लगा रहे थे, बच्चों को लगनी शुरू नहीं हुई है, क्या भारत के लिए जरूरी नहीं है कि विदेशों से अब ये सीखें कि कितना लीथल हो गया ये सब कुछ? जी निशांत, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी अमेरिका का जो रिपोर्ट है वहां पे बच्चों में फैल रहा है, क्योंकि बच्चे वैक्सीनेटेड वहां पे नहीं है तो वो खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं वहां पे। और चूंकि स्कूल खोल दिया गया है और बच्चे उस ढंग से प्रोटेक्शन नहीं ले पाते हैं जैसे कैटल ले पाते हैं, तो वहां फैल रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। यूरोप के कई देश ऐसे हैं, पोलैंड, जर्मनी इत्यादि, और रशिया में जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो रशिया में भी काफी जगहों पे कोरोना फैला हुआ है। तो मुझे लगता है कि भारत को बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है, हमें सारे प्रोटेक्शंस लेके चलने पड़ेंगे। और खासकर अब जो बच्चों की वैक्सीन की बात है वो यहाँ पे भी हमें शुरू करनी चाहिए, बूस्टर डोजेस के अलावा। आप जो बता रहे हैं बूस्टर डोजेस के अलावा, और यहाँ पर अब एक सबसे बड़ा चिंता का जो विषय है अशोक सर, वो ये है कि यूरोपियन कंट्रीज में जो कोरोना फैल रहा है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है इन स्पाइट ऑफ वैक्सीनेशन। योर टेक सर, वेरी क्विक टेक सर। जी बिल्कुल ठीक है, परंतु मेरे ख्याल से ज्यादा वहां पर अनवैक्सीनेटेड हैं जिनको ये ज्यादा कोरोना उनके ऊपर वो प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, मैं अभी पिछले ही कुछ दिनों में मॉस्को में था और मैंने बहुत लोगों से पूछा, वहां पर बहुत लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया है क्योंकि वो कहते हैं जो हमको तो कोरोना हो चुका है तो इसलिए हमारे ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड सर। तो ज्यादा वहां पर अनवैक्सीनेटेड लोग हैं जिनको पॉइंट है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, शो को हम एंड कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारत वर्ष पर।